नूरपुर की पंचायत लोहारपुरा के नेरा गांव के रोशन डडवाल पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। 15 जुलाई 2021 को रोशन लाल डडवाल का 15 वर्षीय बेटा आदित्य डडवाल जो 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था वो पेड़ से नीचे गिर गया, जिसके चलते उसे स्पेंडल इंजरी हो गई। ये परिवार एक मध्यम वर्गीय गरीब परिवार है और आज इस बच्चे के इलाज में इतना खर्चा हो रहा है जिसे समर्थ परिवार भी सहन नहीं कर सकता। इस बच्चे के इलाज के लिए नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन और सत महाजन चैरिटेबल ट्रस्ट ने पहल की है और इनकी मदद के लिए लोगों और सरकार से अपील भी की। मुझे पता चला था तो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने मिलाया था, आपके बारे में बताया। वो एक क्राउड फंडिंग ऐप है, वर्ल्ड वाइड काम करता है। तो उसमें हमने आदित्य की सारी डिटेल डाली है, मतलब उसको क्या इंजरी हुई है, उसके फैमिली मेंबर्स का नाम, उनके पापा का नाम, और जो भी आप उसके लिए आदित्य के लिए हेल्प करना चाहते हैं वो आपको हम लिंक शेयर कर देंगे। उस लिंक पे जाके आप डोनेट कर सकते हैं। वो जो आप डोनेट करेंगे वो पैसा ना हमारे पास आएगा ना किसी और के पास आएगा, वो डायरेक्ट उनके फैमिली मेंबर्स के अकाउंट में आएगा। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा उनकी हेल्प कीजिए। आप चाहें तो उनसे डायरेक्टली आके भी मिल सकते हैं, उनके फैमिली में आके मिल सकते हैं। अगर आप नहीं मिल सकते तो आप उस क्राउड फंडिंग ऐप के लिंक से उनके लिए कुछ ना कुछ फंड रिलीज कर सकते हैं। और आप एक वैली गाँव का बच्चा है आदित्य जयपाल, जो 15 साल का है और 9th में पढ़ रहा है। जुलाई 15 को ये एक दरख्त पे चढ़ा हुआ था, वहां से गिर गया, तो उसकी स्पाइनल इंजरी हुई। तो तब इसको शिफ्ट किया गया अमनदीप हॉस्पिटल में, और अब जो स्थिति हमें पता लगी उसकी स्पाइनल इंजरी के कारण, दे ट्राई टू रिपेयर इट, पर एक बड़ा लॉन्ग प्रोलॉन्ग मतलब चलेगी इसकी जो ट्रीटमेंट। और जो ट्रीटमेंट है मुझे नहीं लगता कि बहुत आसानी से ये ठीक हो पाएंगे, पर और आज की डेट में बिस्तर पे है, बच्चे को मिला, बहुत प्यारा बच्चा है, और इनके माँ बाप को भी मैं मिला। ये मतलब इनका बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। हमारी ट्रस्ट एक है, सत महाजन चैरिटेबल ट्रस्ट, इसके अध्यक्ष जी मेरे साथ हैं, अमर महाजन जी, हमने भी अपनी तरफ से छोटा सा योगदान किया। और मैं अपील करना चाहता हूँ राजनीति से हट के कि इसमें मतलब मानवता की बात है। अगर ये बच्चे को हम जितनी मदद करें वो कम है, और इनका रोज का जो खर्चा ही है तकरीबन, वो कोई भी बहुत समर्थ आदमी भी हो वो भी नहीं शायद उसको कर पाएगा। तो हर मैं जो एक दानी पुरुष है उनसे मैं अपील करूंगा कि इनकी मदद जितनी करें वो मतलब बहुत एक अच्छे मतलब कॉज के लिए होगी। मेरे साथ एक हमारा एक हमारे चेयरमैन साहब तो है ही हैं ट्रस्ट के, अमर जी, पर हमारे यूवी जी एक हैं जो हमारे एक साथी हैं। सर, ये जो आपने अपील की है ये तो दानी सज्जनों के लिए की है, क्या आप सरकार से भी कोई अपील करना चाहेंगे, जो मौजूदा सरकार है या जो सिस्टम है? मैं इनफैक्ट सबसे पहले मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि जो सीएम रिलीफ फंड है वो बने ही इसी मतलब इसी कॉज के लिए। तो मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ सरकार से और जो हमारे जैसे सरकार के नुमाइंदे हैं कि मतलब इस परिवार की पूरी मदद करें, क्योंकि ये ऐसी एक प्रॉब्लम बड़ी है, किसी के साथ भी पड़ सकती है। और ये बच्चा बहुत सुंदर बच्चा है और मतलब इंटेलिजेंट लड़का है, और इसको अगर जितनी जल्दी से जल्दी आप इनकी मदद करो तो आपका मैं बहुत धन्यवादी हूँ।